हम जाते रहे हम अमृत हाँ जो भाग जो भाग जो जल्दी भाग ना दो परेशान के ले लिया कर ले लिया तो क्या कर घर वाला क्या घर वाला नहीं तो घर वाला है नहीं है हम बदल ले हैं हाँ एक कोई तो नहीं ले वाला नहीं जाए घरे में हम बदल ले वाली या दौड़ नहीं है रहता जो घर में था बाजार में तो बाजार में लो आरे सब की चल गिलास उलास दौड़ चलते हो चल भाग कपड़ा भाल ले ले चलो दीदी क्या चलो तैयार और करते हैं आज चल 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 ससुरारी जो चल लेते घर में चल ना तो चल ले अरे काहे जाए हम जाते तो काहे रिकॉर्ड करता हुआ तरीका ना करम जाते रे रिकॉर्ड ना करम हो ना और वीडियो काहे रिकॉर्ड करता रे तो लो हम जाते नहीं जी नहीं जाते सब ये ना लिया सब क्या है चल ले तब ले ले बागो इससे जाते हैं हम अरे यार चल चल बना आ का जाएगी अरे आओ बटना दे भाई का दे हमार दे भाई तो तो देखिए दोस्तों हमारा भाई डांट रहा था हमारी मम्मी बैग लेकर जा रही है रखने अब सोच रहे कि बैग नहीं रहेगा तो नहीं जाएगी अरे जिनको जाना क्या बताएं दोस्तों बहुत हमारा दिमाग इस समय टेंशन में हो गया है हमारा भाई हमारे बच्चे जो है परेशान कर दिए घर में कुछ सामान था छीट बो दिए हैं तो इसीलिए खदेड़ने लगा है कि बच्चे सब ये छीट दे रहे हैं वो छीट दे रहे हैं तो वही बात है जब अपना घर रहता है तो नहीं कोई से भी बच्चे छीटते बोते हैं तो नहीं कोई दिक्कत होता है बच्चे अब उनको हम कहाँ जाएँ समझाने जाने ना समझ है बच्चे हैं तो वही मेरा भाई डांट रहा था कि बच्चों को चंठाई कर रहे हैं सब छीट बो रख दे रहे हैं तो इसलिए दोस्तों आप लोग हमारा सपोर्ट दीजिए साथ दीजिए ताकि मेरा भी एक खुद का निजी घर हो जाए और क्या बताएं कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कितनो जब पति ही नहीं लायक रहेगा आप तो लोग जानते हैं जो पिछला वीडियो देखे होंगे तो कितना दिन कोई मायके में रहेगा आप तो सोच रहे हैं जो लड़ाई अब लड़ देखे मेरे पास पैसा वैसा था और कर्ज लेकर हम जैसे थाने पुलिस में बहुत ज़्यादा जानते हैं लोग पैसा लगता है तो पैसा वैसा ज़्यादा लगाना वगाना पड़ रहा है थैयार में थाना कचहरी में कम से कम बहुत ज़्यादा लगा है पैसा इसमें हम क्लियर इसमें नहीं बता सकते कितना ज़्यादा लेकिन हद से ज़्यादा पैसा वैसा लगा है पैसा वैसा लगा है अब लड़ाई चल रहा है हिस्सा बखरा तो ज़रूर मिलेगा ही मेरा आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा हिस्सा बखरा तो नहीं छोड़ेंगे लेकिन जब तक निजी घर नहीं हो जाएगा हिस्सा मिलेगा तो उसमें भी बनवाना ही पड़ेगा तो आप लोग प्लीज़ मेरे दोस्तों साथ दीजिए सपोर्ट कीजिए कि मेरा खुद का निजी हो जाए और कब तक कोई क्या करेगा एक अकेली औरत दो बच्चों को लेकर क्या कोई करे तो मेरी मम्मी है हमारी मम्मी रोक दी है नहीं तो मेरा मूड हो गया था जाने के लिए और समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं आज के ज़माने में किसी के ऊपर कोई हम सोचते किसी के ऊपर बोझ न बने देखे भाभी के पास थे वहाँ पे चाहे रहे चाहे होते रह लिए होते लेकिन हम सोचते नहीं किसी के ऊपर बोझ हुए और भाभी के भी बच्चे हैं उनके भी परिवार है हम एक तो हमारे भी दो बच्चे हैं तीन तीन लोग हम लोग हैं तो इसलिए हम अपना बोझ हम अपना ही देखना चाहते हैं हम सोचते नहीं है किसी के ऊपर बोझ हो हम सोचते हैं खुद का मेहनत करें इतना मेहनत करें कि हम अपना खुद घर बनवाएं और ऐसा ज़रूर एक दिन होगा हम करेंगे अपना जाएंगे जहाँ पर मेरा पाही है वहाँ पर अपना जरूर आज नहीं तो कल जरूर लड़कर अपना हिस्सा लेकर कब्जा कर रहेंगे चाहे इसके लिए मुझे अपना जान भी देना पड़े जरूर हम लेकर रहेंगे हिस्सा बखरा मड़ैया डाल कर रहेंगे तब तक रहेंगे तो सुकून से तो रहेंगे बच्चे भी रहेंगे हम भी रहेंगे और लेंगे दो तीन महीने के अंदर आप लोग देखिएगा हम अपना जहाँ रहेंगे हिस्सा ले लेंगे
बस दो तीन महीने में वहाँ जाएंगे, अब वहाँ जाएंगे लड़ भिड़ कर वहीं पर हम छिका कर लेकर अब रहेंगे, देखते हैं कौन मुझे मारता है कौन क्या करता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा है कैसा नहीं, तो देखिएगा। इधर हमारी बच्ची है, यही बहुत चंठई कहती, इसको आप लोग समझाए चंठे उंठे ना करें। कहाँ चंठई की हो, तुम्हारा नाक बह रहा है, रुक जाओ साफ कर दे इसका। देखिए सर्दी आ गई है, इसका नाक बह रहा है, रुक जाओ साफ कर दे।